हेलो गाइस, लक्ष्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं घर के अंदर बनाऊंगी तिल की चक्कियाँ। तिल की चक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी भरकर वाइट तिल, और इसमें ब्लैक तिल भी मिक्स है, और 2 कटोरी आपको गुड़ ले लेना है। उसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको एक पन्नी लेनी है, जो प्लास्टिक की पन्नी है, और इस पन्नी के ऊपर जो सब्जी ऑयल या आप घी लगाकर तैयार कर सकते हो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं रहता है, सारा काम फटाफट से करना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही ऑयल लगाकर तैयार करके रख लूँगी ताकि काम आसान और हो जाए। उसके बाद मैंने एक चम्मच लिया है, ये लकड़ी का चम्मच है, इसके भी ऑयल लगा लूँगी ताकि ये जो गुड़ का पेस्ट बनाएंगे वो इसके चिपके नहीं। ये अच्छे से मैंने लगा लिया है ऑयल। तो आप इसी तरह से एक प्लास्टिक के पेपर पर ऑयल लगाकर आपको पहले तैयार करके रख लेना है। जब आपका ऑयल अच्छी तरह से लग जाएगा उसके बाद आपको गैस चूल्हे की ओर बढ़ना है। तो चक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन के अंदर 1 कटोरी जो मैंने वाइट तिल लिए हैं उसको ऐड कर दिया है, और इस तिल को अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और आपको इस तिल की थोड़ी खुशबू भी आने लगेगी और तिल अच्छे से चटकने भी लगेंगे। तो तिल की अच्छी सी आवाज़ आने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये तिल अच्छे से भून चुके हैं, और इसका कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके तिल यदि भुन चुके हैं। तो मैं इस तरह से ही चम्मच से सारे तिल को अच्छे से हिलाते रहूँगी ताकि ये जले नहीं, और आसानी से ही बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सभी लोगों के फेवरेट होते हैं, ख़ास तौर से बच्चों को खाने में ये तिल पापड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप सर्दियों के अंदर आप घर में सभी लोगों को ये तिल पापड़ी बनाकर ज़रूर खिलाइए। मुझे पता है कि सभी को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद मैंने ये पैन फिर से वही ले लिया है और तिल को अलग बर्तन के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर सारे गुड़ को ऐड कर दूंगी इस तरह से। तो मैं सारे गुड़ को इसी तरह से ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसके अंदर पानी को ऐड नहीं करना है, यूं ही चम्मच को चलाते रहना है, और ये पेस्ट जल्दी से फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। चलाते चलाते ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, और पता भी नहीं चला कि ये पेस्ट कैसे बनकर जल्दी से तैयार हो चुका। और आप इसके अंदर 1 चम्मच गुड़ या तेल भी ऐड कर सकते हो ताकि ये जो गुड़ का पेस्ट बना रहे हैं ये पैन के अच्छे से चिपके नहीं। तो मैं यहाँ पर ऑयल और ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इससे चक्की बनकर उसके बाद टूट जाती है, अच्छे से बनकर तैयार नहीं होती है। यदि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखिए ये पेस्ट आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। पेस्ट बनने के बाद इसके अंदर सारे तिल को ऐड कर देना है जितना आपने लिया था। मैं इसे आधा ऐड करूँगी और आधा रख लूँगी, उससे मैं कुछ और बनाऊँगी। तो ये मेरा पैन भी अच्छे से भर चुका है, इसके अंदर इतना ही बनेगा। तो मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से गुड़ के साथ मिला दूंगी। और गाइस, ये गुड़ और तिल एक जिन हो जाए तब तक आपको इसी तरह से मिक्स करते रहना है, और थोड़ा सा टाइट भी होने लगेगा तब ये चक्की बनने के लिए एकदम से तैयार हो चुका होगा। तो इसे आपको इसी तरह से मिक्स करता रहना है और चम्मच को बीच में छोड़ना नहीं है,
चलाते रहना वरना ये जल जाएंगे। अब मैंने ये सारा अच्छे से उसी जो मैंने वो प्लास्टिक पन्ने ली थी उसी के ऊपर मैंने ये ऐड कर दिया है तिल को, क्योंकि ये गरम है और गरम से पन्नी के अंदर बनाएंगे ये तिल की चकियाँ तो आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी और आपको हाथ को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा क्योंकि ये जलेगा नहीं और आप इसे किसी भी प्रकार का शेप के अंदर कट कर सकते हो, जैसा आपको शेप पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने ये इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लिया है और एक चकला या बेलनी की सहायता से आप इसे ऊपर से थोड़ा जैसे रोटी बेलते हो उसी तरह से आपको बेल लेना है और मोटी पतली साइज आपको सेट कर लेनी है। जितना आप मोटा या पतला रखना चाहते हो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हो। तो मैंने नॉर्मल रखा है, ना ये मोटा है ना ही पतला है, तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैंने चम्मच ले लिया है, चम्मच की सहायता भी इसे थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि ये एकदम से बराबर आ जाए और चकियाँ भी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। और मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है और ऊपर से भी इसे इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा जो लगा कर कर लेना है ताकि ये बराबर हो जाए। उसके बाद आपको ऊपर से पन्ने को हटा लेना है और इसे आप देख सकते हो कि ये सेट हुआ है या नहीं। उसके बाद आपको एक चाकू लेना है, चाकू के आप कोई भी शेप के अंदर इसे कट कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप कट कर लीजिए। गरम गरम के ऊपर ही आपको ये कट करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद कट नहीं होगा, इसलिए आप इसे कट कर लीजिए और ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से सेट होने के लिए रहने देना है। और अब सर्दी है तो आपको फ्रीज़र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपना आप थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के अंदर ही अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद ही आपको ये हिलाना है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये अभी गर्म है और सेट हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। जब ये सेट हो जाएगा तब से एकदम से अच्छी चकियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। सेट होने के बाद ये आपको इस तरह से आसानी से अलग अलग हो जाएगी, आप इसे कर सकते हो और ये टूटेगी भी नहीं, एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और गुड़ सेहत के लिए गर्मियों में आपको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, सभी को खाने में बहुत पसंद आता है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा अगला आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए और बेहतर वीडियो लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर उपस्थित वीडियो को देखते रहिए और आपको पसंद आए वो आप अपने घर में बनाकर ट्राई ज़रूर करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।